हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेज। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरे किताब की शुरुआत होती है पाब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है, तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे, हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पाब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पाब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पाब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पाब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पाब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पाब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया।
ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, वो देखो पाब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पाब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पाब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पाब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पाब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था। तब भी पानी बहता था। पाब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पाब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पाब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पाब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पाब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पाब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पाब्लो बनना चाहते हैं? यदि पाब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण
आज ही कर सकते हैं।